हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इन टुडेज वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग इंस्टाट्रेड एफएनओ फीचर ऑफ एंजल वन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन में। हम एंजल वन की एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। इंस्टाट्रेड एफएनओ के ऑप्शन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम सेम विंडो पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक को यूज़ में ले सकते हैं, और तो और अपने फेवरेट इंडिकेटर को भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 17,100 में। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 16,956 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट है 16,808 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट है 16,600 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 17,140 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 17,310 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 17,432 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी के मार्केट में डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, एंड निफ्टी के मार्केट हमारे 16,956 के लेवल से एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इन केस कल के डेट में अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 17,140 का, और अगर इस लेवल को ब्रेक करके और मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 17,310 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बनता दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 16,956 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 16,808 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी के, चलिए अब हम बैंक निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी में क्लिक करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 39,598 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 38,914 का, देन हमारा सेकंड सपोर्ट का लेवल है 38,452 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 38,005 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 39,726 का, देन हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है 40,118 का, थर्ड रेजिस्टेंस है यहाँ पे 40,400 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी के मार्केट को हमारे पहले सपोर्ट के लेवल जो कि है 38,914 के लेवल से करेक्शन करता हुआ दिख रहा है। इन केस अगर कल के डेट में बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 39,726 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 40,118 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 38,914 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 38,452 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करने से पहले इसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय कॉल करें। इन केस अगर आपको लगता है कि ट्रेंड बेयरिश जा सकता है, देन आप बाय पुट करें। बाय कॉल करने के लिए मैं बाय कॉल के बटन पर क्लिक करूंगा, देन यहां से आपको स्ट्राइक प्राइस एक करके नीचे दिए हुए कंटिन्यू के बटन में क्लिक करूंगा, देन यहां आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना है वो आप टाइप करेंगे। मुझे दो लॉट लेना है, दो टाइप करूंगा, देन यहां आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में लेना है उसमें आप टॉगल को रख के आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना है, मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसीड करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा, देन यहां कंफर्म बाय। कंफर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करें।